हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस पूरे सप्ताह में धमाल मचा सकते हैं, और उनके लेवल्स को बात के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर वो पार्टिकुलर स्टॉक्स बुलिश रहेंगे, और उस लेवल की भी बात करेंगे जिसके नीचे वो बेयरिश होंगे, और हम लोग एक रेंज की भी बात करेंगे जिस रेंज के बीच में रहेंगे तो वह कहीं भी मूव नहीं करेंगे, उस पार्टिकुलर रेंज में ही फंसे रहेंगे। और जब एक ब्रेकआउट होगा उसके बाद के भी एक रेंज की बात करेंगे, जब ब्रेकआउट होने के बाद वो कहाँ तक रेंज के किस तरफ तक जा सकते हैं उस लेवल की भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टॉक्स के ट्रेंड साइकिल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और उस ट्रेंड साइकिल के डिस्कशन से यह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकुलर स्टॉक्स का अभी फिलहाल ट्रेंड क्या है और ये किस तरफ मूव कर सकता है, एक बायस सेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, जो पहला स्टॉक है हमारे सामने है और ये आपका बुलिश होगा 608.3 के ऊपर। जैसे निकलेगा उसके बाद यह स्टॉक बुलिश हो जाएगा, इसमें बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होगी। स्टॉक है आपका विप्रो। आप अगर आप देखेंगे तो इस पर काफ़ी बढ़िया, ये आपका ऑप्शन चेन का एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल फॉर्म में, तो आप इधर देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इधर कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ कुछ पुट राइटर्स भी हैं, और ये स्ट्राइक है 595, 600, 605, 610, 615, ये सब स्ट्राइक्स हैं। आपको जब ये स्ट्राइक देखना है इस ग्राफ के ऊपर तो ये 21 को अज्यूम नहीं करना है, 21 को निकाल के आपको स्ट्राइक प्राइस को देखना है। तो काफ़ी अच्छा हम लोग इस जगह देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स बने हुए हैं, और एक बार विप्रो अगर इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इन सब लेवल्स के ऊपर, इन सब स्ट्राइक्स के ऊपर हमें कॉल राइटर्स द्वारा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और ये शॉर्ट कवरिंग विप्रो को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकती है। तो जो बुलिश वाला रेंज है वो आपका 0.683 से शुरुआत होता है, तो एक बेयरिश रेंज भी होगा जिसके नीचे आपका ये बेयरिश हो जाता है, तो वह लेवल है 592 का जिसके नीचे ये बेयरिश हो जाएगा और कॉल राइटर्स कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो जाएंगे, और वह चाहेंगे कि जो भी प्रीमियम है इन सब स्ट्राइक्स के ऊपर उसको जीरो कर दे। तो वह लेवल है 592 का जिसके नीचे अगर फिसलेगा, अगर विप्रो आपका इसके नीचे अगर फिसलेगा तो यह बेयरिश हो जाएगा, और ये जब बेयरिश हो जाएगा तो एक रेंज में रहेगा, एक रेंज को ब्रेक करेगा। देखिए जब यह बुलिश होगा या बेयरिश होगा, मतलब किसी भी साइड अप साइड या लोअर साइड जब ये रेंज को क्रॉस करेगा, ब्रीच करेगा, तो नीचे की तरफ 579 और ऊपर की तरफ 623 की तरफ जा सकता है जब इस रेंज को ब्रेक करता है। तो अगर इस पार्टिकुलर लेवल्स को वो ब्रेक नहीं करता, ऊपर की तरफ बुलिश वाले लेवल्स को, नीचे की तरफ बेरिश वाले लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है तो वह पूरा वीक इसी रेंज में बिता सकता है। तो आपको इन सब लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए विप्रो के ऊपर। अभी इसके ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो देखिए ट्रेंड साइकिल में काफ़ी अच्छा हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, मतलब इस पर देखने को मिल रहा है, जो भी इस पर डीप आ रही है वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है और एक्युमुलेशन चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर एक बहुत ही अच्छा रैली ड्यू है, तो ये ट्रेंड साइकिल से पता चल रहा है। तो आप इस ट्रेंड साइकिल के हिसाब से इस पर अपना पोजीशन बना सकते हैं, बायस को बना सकते हैं। तो ये हमारा रहा विप्रो के बारे में। आगे हम अपने एक और स्टॉक्स को देखें, तो उसको देखने के पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारे सामने आ गया एक और स्टॉक जो बुलिश हो जाएगा, 3523 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा। स्टॉक है आपका अल्केम। अगर देखेंगे अल्केम तो ये 3500 का लेवल से, जहाँ काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, अगर इस लेवल के ऊपर निकला
तो यहाँ साउथ कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, और साउथ कवरिंग हमें काफ़ी ऊपर की तरफ लेके जा सकता है अल्केम को। और बेयरिश किस लेवल के नीचे होगा, तो बेयरिश की बात करेंगे 34.55 के नीचे निकलेगा तो कॉल इधर शॉर्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे और इसको एक तरह से हावी हो जाएंगे कॉल राइटर्स पुट राइटिंग के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, और इसको बेरिश कर देंगे। और बेरिश कब होगा, इस लेवल के नीचे फिसलेगा तो अल्केम अगर इस लेवल के नीचे फिसलेगा तो आपका ये बेरिश होगा। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो होगा वो 33.50 से लेके 36.15 तक का रेंज रह सकता है अल्केम के ऊपर, 33.50-36.15 का रेंज रह सकता है। और ये जब तक देखिए इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर हम लोग 3600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे का अगर रेंज ब्रेक करता है तो 3350 तक के, मे बी 3300 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये भी जो भी होगा एक वन वीक के लिए ये आपका ट्रेड होगा, और इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं करता तो रेंज में ही फंसे रहेंगे आपके बुलिश वाले लेवल और बेरिश वाले लेवल के बीच में ही यह फंसा रहेगा। तो ये रहा आपका अल्केम, और इसका अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल को भी देखेंगे तो ट्रेंड साइकिल में भी हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बाइंग होते हुए दिख रहा है, और नीचे डीप मिला है उसको भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तरह यूज किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो अल्केम एक बुलिश बायस की तरह दिख रहा है, इसका बायस बुलिश दिख रहा है, ऊपर की तरफ मूव आने का चांसेस है। लेकिन जो मूव ऊपर की तरफ आएगा वह आपका 3523 के ऊपर निकलेगा, तभी इस पर काफ़ी हम बुलिश होंगे और तब हम लोग 3600 तक के लेवल इसके ऊपर देख सकते हैं, तो उस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक के सामने। तो एक बार मैं फिर बोलूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए अब हमारे सामने नया स्टॉक आने वाला है, और इनफैक्ट आ गया, जो 152 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश होगा, और स्टॉक है आपका गेल। अगर आप देखेंगे 150 के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स है, 160 के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स है, 155 के ऊपर भी काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स है, तो आप एक तरह से देखेंगे, और इधर देखेंगे तो पुट राइटर्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन अगर ये 152 के ऊपर सस्टेन करता है तो इस पर काफ़ी बढ़िया हम लोग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, जो इस गेल को 157 की तरफ ले जा सकता है। तो इस लेवल के ऊपर ये बुलिश होगा, इसके लेवल के ऊपर को हम लोग साउथ कवरिंग देखने को मिल सकता है कॉल राइटर्स के इसमें, तो इसके लेवल के ऊपर हम लोग साउथ कवरिंग देख सकते हैं। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखिए जिसके ऊपर ये बुलिश होगा। बेरिश वाले लेवल को भी हम लोग देख लेते हैं गेल के ऊपर, तो 147.7 के नीचे निकलेगा तो ये बेरिश हो जाएगा, और इस लेवल के नीचे कॉल राइटर्स काफ़ी हावी हो जाएंगे, और जो भी प्रीमियम है उसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लेवल है, अगर इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, नीचे 147 को ब्रेक नहीं करता, ऊपर 152 को ब्रेक नहीं करता, तो ये पूरा वीक 147-152 के बीचों बीच व्यतीत कर सकता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट आया तो जो रेंज है 145-157 तक का रेंज हो सकता है आपका गेल के ऊपर। तो ऊपर ब्रेकआउट आया तो ये ऊपर रेंज हो सकता है, नीचे गया तो ये आपका रेंज हो सकता है गेल के ऊपर। और हम बात करें ट्रेंड साइकिल के, तो देखिए साउथ कवरिंग लॉन्ग एंड वाइंडिंग और पीछे लॉन्ग होते हुए दिख रहा है, मतलब पिछले 2-3 दिनों से अगर हम लोग देखें तो इस पर खरीदारी होते हुए दिख रहा है, और यह खरीदारी अगर बनी रहती है और गेल 152 के ऊपर निकलता है तो इसमें काफ़ी अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है, होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।